नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दूसरा जो भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अरावली पर्वतमाला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो विद्यार्थियों, अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानी जाती है। किसका हिस्सा मानी जाती है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानी जाती है। मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया भी था कि पेंजिया जो कि महाद्वीप है, पैंथालासा जो कि महासागर है, तो पेंजिया धीरे धीरे दो टुकड़ों में बट गया था। पहला मैंने आपको बताया था अंगारा लैंड और दूसरा बताया था विद्यार्थियों गोंडवाना लैंड। तो पहला जो अंगारा लैंड था और दूसरा गोंडवाना लैंड, तो इसी प्राचीनतम पठार का हिस्सा माना जाता है। कौन? गोंडवाना लैंड, और इसी गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है अरावली पर्वतमाला, जो कि प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। इसको अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। और यूएसए की जो अपलेशियन पर्वतमाला है उससे अरावली पर्वत श्रृंखला की तुलना की जाती है। किससे की जाती है? यूएसए की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला विद्यार्थियों? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला का के यूएसए में जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है उसका भाग माना जाता है। कौन? किसको माना जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला को। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है प्री कैम्ब्रियन काल की उपज है। कौन से काल की? कई बार इसमें कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सा काल का है। प्री कैम्ब्रियन काल की उपज अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अब बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई की विद्यार्थियों। तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो देखिए ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वाला जो हिस्सा था जिसको हमने दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और दूसरा बताया था मैंने आपको कौन सा मरुस्थल? अर्धशुष्क मरुस्थल। तो अर्धशुष्क मरुस्थल के बाद जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है और 80 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के जो है 10% भाग को घेरे हुए हैं और यहाँ पर राजस्थान की 9% जनसंख्या निवास करती है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालनपुर के खेड़ ब्रह्म से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है विद्यार्थियों? गुजरात के पालनपुर के खेड़ ब्रह्म से प्रारंभ होती है। आबू सिरोही उदयपुर राजसमंद जयपुर झुंझुनू सीकर कई इलाकों से गुजरकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी, नाम भी सुना होगा दिल्ली की, जो ये रायसीना पहाड़ी है यहाँ तक आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार माना जाता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के पालनपुर के खेड़ ब्रह्म से में जो गिरनार की पहाड़ियां हैं वहां से ये प्रारंभ होती है और आपकी दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार माना जाता है। और राजस्थान के इस विस्तार की अगर हम बात करें तो राजस्थान में ये सिरोही से प्रारंभ होती है और आपका दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है विद्यार्थियों? 692 किलोमीटर अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 550 किलोमीटर। कितनी है?
राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है अरावली पर्वत श्रृंखला की और 692 टोटल लंबाई है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें विद्यार्थियों, तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और आगामी दिनों में जो रीट होने वाली है, पटवारी एग्जाम होने वाला है, राजस्थान हाईकोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है विद्यार्थियों, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में जो लंबाई है विद्यार्थियों वो है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर के दायरे से हम लगा सकते हैं कि राजस्थान में कुल भारत के 80% जो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है वो राजस्थान में विद्यमान है। कहां पर है? राजस्थान में। उसके बाद हम औसत ऊंचाई की बात करें तो राजस्थान में या पूरे ऑल ओवर भारत की अगर हम बात करें तो 930 इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। किसकी? अरावली पर्वत श्रृंखला की। उसके बाद आती है विद्यार्थियों दिशा की। दिशा की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की है। उन्हें कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस तरफ से किस तरफ है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, जो कि गुजरात के खेड़ ब्रह्म से प्रारंभ होकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है विद्यार्थियों। अब आगे की बात करते हैं विभाजन की। अरावली पर्वत श्रृंखला को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं विद्यार्थियों? तीन भागों में हम अरावली पर्वत श्रृंखला को बांट सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नीचे वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं दक्षिण अरावली। कौन सा बोलते हैं विद्यार्थियों? दक्षिण अरावली। मिड वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम मध्य अरावली, और जो ऊपर वाला हिस्सा है राजस्थान में उसको बोलते हैं हम उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। तो इस प्रकार हम अरावली पर्वत श्रृंखला को तीन भागों में बांट सकते हैं। दक्षिण अरावली, सिरोही से राजसमंद वाला जो इलाका है वो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मध्य अरावली में अजमेर वाला जो क्षेत्र है वो मध्य अरावली के अंतर्गत आता है, और उत्तरी अरावली में आपका जयपुर से लेकर कहां पर, जयपुर से लेकर झुंझुनू तक का जो इलाका है वो आपका उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला दक्षिणी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा उत्तरी अरावली। दक्षिणी जो अरावली है उसका विस्तार कहां से? सिरोही से राजसमंद तक है। इसके अलावा मध्य अरावली का विस्तार अजमेर में है, और उत्तरी अरावली का जयपुर से झुंझुनू तक विस्तार माना जाता है। आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला को मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ आपको इसमें जरूर समझ में आएगा। तो पूरे वीडियो को देखते रहिए। आगे देखिए विद्यार्थी, आगे बात यह है कि जो आपका ये तीनों अरावली क्षेत्र पड़ा उसमें सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है, सबसे ज्यादा ऊंचाई जो मिलेगी वो मिलेगी कौन से जिले में? सिरोही जिले में। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पुटअप होगा वो ये हो सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का की ऊंचाई सबसे ज्यादा राजस्थान के किस जिले में है? तो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों सिरोही जिले में। आपसे पूछा जाए अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों उदयपुर जिले में। राजस्थान की में सबसे ज्यादा अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार माना जाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सबसे कम कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है अजमेर। अजमेर में अरावली पर्वत श्रृंखला कटती फटी होने के बावजूद यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार
दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और इसी मध्य अरावली वाला जो क्षेत्र है, इसी एरिया से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला का एक बेनिफिट ये है कि मरुस्थलीकरण का प्रसार करने से रोकता है। ये बेनिफिट है किसका? अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के विस्तार को पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ने से रोकता है। लेकिन अरावली का मध्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन कटता जा रहा है, जिसके कारण मध्य अरावली से होते हुए राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी मरुस्थलीकरण का विस्तार होता जा रहा है, और इसे ही मरुस्थलीकरण का मार्च कहते हैं। मरुस्थलीकरण का मार्च वाला क्वेश्चन आपके आरएस प्री में कई बार पुटअप हुआ है। तो मरुस्थलीकरण का मार्च किसको कहा जाता है? मरुस्थलीकरण के विस्तार को कहा जाता है, और मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने में अरावली पर्वत श्रृंखला का मेन रोल माना जाता है। ये तो है बेनिफिट किसका? अरावली पर्वत श्रृंखला का। अब डीमेरिट क्या है इसका? कि अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण जो आपका अरब सागर का मानसून है, अरब सागर का मानसून जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करता है, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला के सहारे आगे की तरफ निकल जाता है, जिससे राजस्थान के पूर्वी जिलों में बारिश हो जाती है, लेकिन राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वो वर्षा विहीन रह जाता है। कैसा रह जाता है विद्यार्थियों? वर्षा विहीन एरिया रह जाता है, जिसके कारण राजस्थान में अच्छे से वर्षा नहीं हो पाती, और राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है वहां पर कम बारिश होती है। इसीलिए 0 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के पहले वाला क्षेत्र है। तो आपने देखा मेरिट और डीमेरिट, क्लियर? तो अब देखिए कि जो ये आपका दक्षिणी अरावली है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर है, जो कि आबू सिरोही क्षेत्र में पड़ती है। दक्षिणी अरावली में आपका जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, सॉरी मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जरगा। कौन सी मानी जाती है? जरगा। कई बार इन चोटियों से रिलेटेड जिलों के बारे में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है, तो आप चोटियां, उनसे संबंधित जिले और उनकी ऊंचाइयों का ज्ञान होना आपको जरूरी है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में आरोही और अवरोही क्रम पूछा है इन चोटियों के बारे में। तो जब भी आप अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़े, अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उससे संबंधित जिलों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है विद्यार्थियों। तो देखिए, मैंने बताया दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मानी जाती है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ मानी जाती है, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? रघुनाथगढ़। आपसे अलग अलग क्वेश्चन में पुटअप किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा क्या? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। आपसे पूछ ले मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए तारागढ़, जो कि अजमेर में है। इसके अलावा तारागढ़ और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर के जस्ट पास में आपका कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पढ़ना है राजस्थान की चोटियां। राजस्थान की ये जो चोटियां हैं विद्यार्थियों, इनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। इसके जो ऊंचाई है इसको भी आपको ज्ञात करना है, क्योंकि राजस्थान की चोटियों में जो एग्जाम में पुटअप किए जा रहे हैं वो सीक्वेंस पूछी जा रही है, और हम इसको इजी समझते हुए इसको याद नहीं करते हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की चोटियों को याद करना ना भूलें। तो देखिए, राजस्थान की अगर हम चोटियों की बात करें, तो सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है वो है आपकी गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर, और गुरु शिखर पड़ता है आपका सिरोही जिले में, आबू क्षेत्र में, जिसकी ऊंचाई है 1722। देखो, वैसे कई आंकड़ों में आपके 1727 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो 5 मीटर है वो घंटी का आकार है, और वैसे आपके 1727 और 1722 दोनों आंकड़े एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान रखना गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722। फिर आता है आपका सेर।
शेर भी सिरोही जिले में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है दिलवाड़ा जो कि सिरोही में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, कितनी है 1442 मीटर। उसके बाद आती है जरगा जो कि मेवाड़ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जरगा पड़ता है आपका उदयपुर में, क्या पड़ता है, और इसी उदयपुर में कौन सा पठार है, बोराट का पठार, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जरगा पड़ता है आपका उदयपुर में, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, कितनी है विद्यार्थियों 1431 मीटर। उसके बाद आता है विद्यार्थियों अचलगढ़, अचलगढ़ पड़ता है सिरोही में और इसी अचलगढ़ में आपके अचलगढ़ का किला भी बना हुआ है। अचलगढ़ जो कि सिरोही में है उसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, गुरु शिखर से दिलवाड़ा जरगा, गुरु शिखर से जरगा और गुरु शिखर से दिलवाड़ा और जरगा, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आरोही और अवरोही क्रम पूछता है, किसका, चोटियों का। उसके बाद आता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में बना हुआ है और कुंभलगढ़ में ही आपको पता है कुंभलगढ़ का किला भी है, तो कुंभलगढ़ का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा जिला होना चाहिए, राजसमंद होना चाहिए और इसकी ऊंचाई है आपकी 1224 मीटर, इनकी ये आपको ऊंचाई भी ज्ञात करनी है विद्यार्थी। उसके बाद आता है रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर, जो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में इसका विस्तार है। उसके बाद आता है ऋषिकेश, ऋषिकेश जो कि सिरोही में पड़ता है उसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। उसके बाद आता है कमलनाथ, कमलनाथ जो कि उदयपुर में है जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। उसके बाद आता है सज्जनगढ़, इसी सज्जनगढ़ के जो आपका चोटी है इस पर सज्जनगढ़ का किला भी बना हुआ है विद्यार्थी, जाओ तो यहाँ पे देखना, उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। उसके बाद आता है मोरमजी जिसको हम टाटगढ़ के नाम से जानते हैं, इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ की ऊंचाई है 934, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 और गुरु शिखर जो कि सबसे ऊंचा शिखर है उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों खो पड़ता है आपका जयपुर जिले में, कहाँ पड़ता है, जयपुर जिले में पड़ता है, सायरा आपका उदयपुर में पड़ता है, तारागढ़ आपका अजमेर में पड़ता है, तारागढ़ तो पहले आ चुका, रोजा भाकर पड़ता है आपका जालोर में, कहाँ पड़ता है, जालोर में पड़ता है, तो रोजा भाकर टाटगढ़ आएगा, टाटगढ़ तारागढ़ अजमेर में है 775 मीटर, रोजा भाकर कहाँ पड़ता है, जालोर में पड़ता है जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा अरावली पर्वत श्रृंखला की जो भी चोटियां हैं, पहली है गुरु शिखर जो कि सिरोही में है, दूसरी है शेर जो कि सिरोही में है, दिलवाड़ा सिरोही में, जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सीकर में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, मोरमजी टाटगढ़ अजमेर में, टाटगढ़ का किला भी है यहाँ पर, खो जयपुर में, सायरा उदयपुर में, तारागढ़ अजमेर में, रोजा भाकर जालोर में। इस तरीके से मैंने आपको मेन मेन जो राजस्थान की चोटियाँ हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आगे की वीडियोस में हम अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो आने वाले पठार हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार के बारे में, स्थिति के बारे में, उसके बेनिफिट्स और डिमेरिट्स के बारे में और राजस्थान की प्रमुख चोटियों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला के पार्ट टू के बारे में चर्चा करेंगे। आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए जिसमें आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे।
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहे विद्यार्थियों। धन्यवाद।